हाँ मिस नॉरीन, आप पूछ सकते हैं सवाल। अस्सलाम वालेकुम प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज यू आर स्टिल प्राइम मिनिस्टर। पहली बात, थैंक यू सो मच कि आपने इस्लामोफोबिया और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपने इंटरनेशनल फोरम पे ये बात उठाई। इसी सिर्फ इसी वजह से अगर और सारी चीज़ों का नज़रअंदाज कर दें, मैं ताउम्र आपके साथ इसी वजह से रहूँगी। मेरा क्वेश्चन ये है कि इंशाल्लाह जब आप जीत के वापस आएंगे तो आपकी प्रायोरिटीज़ क्या होंगी, और सेकेंडली मैं लंदन में होती हूँ, आपका कोई मैसेज हम ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए। थैंक यू सर। देखिए, इस्लामोफोबियो का मुझे बाकियों से इसलिए ज़्यादा समझ है क्योंकि मेरा बड़ा इंटरेक्शन ओवरसीज़ पाकिस्तानी से, और मैं क्योंकि बड़ा मेरा टाइम भी गुजरा बरतानिया के अंदर, लंदन में प्रोफेशनल क्रिकेट खेलता था, तो मैं उन सोसाइटीज़ को जानता बड़ी अच्छी तरह, और ये मुझे पता था कि जो हमारे मुसलमान रहते हैं मगरबी सोसाइटीज़ में, 9/11 के बाद एक बहुत बड़ा वेव शुरू हुआ इस्लामोफोबिया का, और मैंने उस वक्त मैंने फैसला किया कि मुझे कभी भी अल्लाह ने मौका दिया तो मैं इंटरनेशनल फोरम्स, यूनाइटेड नेशंस में, OIC में, यूरोपियन यूनियन के सामने किसी को उठाऊंगा, क्योंकि हम मुसलमानों को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है इस्लामोफोबिया की वजह से। और ये दूसरा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जब भी गुस्ताखी करते हैं तो ये उनको पता ही नहीं है कि मुसलमानों को कितनी तकलीफ है, और वो कोई मुसलमान हेड्स ऑफ स्टेट से बताते नहीं थे इनको। तो इसलिए मैंने OIC में भी उठाया, फिर UN में भी उठाया, और अल्लाह का शुक्र है कि जो UN ने 15th of March को डिक्लेयर किया है इस्लामोफोबिया डे, बट इसमें एक स्ट्रगल की जरूरत है, और जो बाहर पाकिस्तानी बैठे हैं, जो ब्रिटिश पाकिस्तानी भी हैं, पहले तो मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिस तरह जिस तादाद में ये सब निकले, मेरी सपोर्ट क्या ये जो पाकिस्तान में एक रेजिम चेंज किया गया उसके ऊपर जिस तरह उन्होंने प्रोटेस्ट किया और क्रिमिनल्स को ऊपर बढ़ाया गया हमारे ऊपर, तो मैं उन सबका आज बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ।